कीवर्ड्स साइन नेम्स हिंदी विराम चिन्हों के नाम। प्रसेंट, प्रसेंट को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। कोमा, कोमा को हिंदी में कहते हैं अल्पविराम। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हिंदी में वर्ग कोष्ठक कहते हैं। राउंड ब्रैकेट्स को हिंदी में गोल कोष्ठक कहते हैं। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉलर, डॉलर को हिंदी में कहते हैं डॉलर चिन्ह। हैश को हिंदी में हैश ही कहते हैं। एस्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं तारक चिन्ह। सेमी कॉलन को हिंदी में अर्धविराम कहते हैं। इज इक्वल टू को हिंदी में बराबर का चिन्ह कहते हैं। कोटेशन मार्क को हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ट्रेडमार्क को हिंदी में व्यापार चिन्ह कहते हैं। रुपी को हिंदी में रुपए का चिन्ह कहते हैं। कॉपीराइट को हिंदी में प्रकाशनाधिकृत कहते हैं। पाउंड साइन को हिंदी में पाउंड चिन्ह कहते हैं। डिग्री को हिंदी में डिग्री ही कहते हैं। डिग्री सेल्सियस को हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही कहते हैं। रजिस्टर्ड को हिंदी में पंजीकृत कहते हैं। यूरो साइन को हिंदी में यूरो चिन्ह कहते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट को हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। डॉट या फुल स्टॉप, इसे हिंदी में बिंदु या पूर्ण विराम कहते हैं। एलियस या एट, इसे हिंदी में उर्फ कहते हैं। डैश को हिंदी में निर्देशिका कहते हैं। ब्रासिस को हिंदी में धनु कोष्ठक कहते हैं। स्लैश को हिंदी में ऑब्लिक कहते हैं। डेल्टा को हिंदी में डेल्टा चिन्ह कहते हैं। पाई को हिंदी में पाई का चिन्ह कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।